प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दोनों अपने चुनावी दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम योगी मुरादाबाद, बिजनौर, हल्द्वानी और पीलीभीत के दौरे पर थे और यहाँ पर आयोजित जनसभाओं को संबोधित भी किए। सीएम योगी भाजपा के स्टार प्रचारक माने जाते हैं। आज वो भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं किए हैं और उनके लिए वोट की अपील किए हैं। सीएम ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन आ गया। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो या सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना या अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफियाओं और अपराधियों को गले का हार बनाकर ये लोग प्रदेश की जनता, बेटी, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का काम करते थे। ये भाजपा की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज माफिया या अपराधी या तो जेल में बंद है या जहन्नुम में है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने आगे क्या कुछ कहा। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन आ गए। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके एजेंडे में विकास नहीं था, गरीब कल्याण नहीं था। आस्था के साथ खिलवाड़ करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके ये लोग प्रदेश की जनता पर, बेटी की सुरक्षा पर, व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य करते थे। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे माफिया या अपराधी या वो जेल में है या जहन्नुम में है। बहनों और भाइयों, मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए। आज अयोध्या में आप जाएंगे, क्या भव्यता है, क्या दिव्यता है। रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं और ऐसी कृपा है प्रभु की कि सचरों ओर खुशहाली है। और इसी खुशहाली में राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए। तीसरा कार्यकाल मोदी जी को दीजिए। अभी सुशांत सिंह कह रहे थे ना, यहां पे जो बंगालियों की जमीन से संबंधित मामले, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। आप चिंता मत करिए, यहीं पे आकर के हम लोग करने जा रहे हैं, उस समय बड़े फंक्शन करने जा रहे हैं। यहां पे विश्वविद्यालय दे दिया गया है, गुरु जम्बेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना मुरादाबाद में होने जा रही है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनेगी, यहां के नौजवानों को नौकरी भी मिलेगी। महाराज विदुर के नाम पर, महात्मा विदुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण यही बिजनौर में हो रहा है। बहनों और भाइयों, और टाइगर के क्षेत्र में आएंगे तो टाइगर जैसा काम भी तो करेंगे। अमानगढ़ का भी एक इको टूरिज्म का वर्ल्ड क्लास सेंटर भी बनने जा रहा है। देवभूमि की इस पावन धरा को जिसने न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण परमात्मा को अपनी ओर आकर्षित किया बल्कि अनेक महापुरुषों को देने वाली धरती है, जिस धरती ने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत को जन्म दिया हो, जिस धरती में पंडित नारायण दत्त तिवारी और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे सपूतों को जन्म देकर के उत्तर प्रदेश को यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया हो, उत्तराखंड की इस देवभूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आजादी के बाद देश का सबसे अच्छा जो स्वर्ण युग माना जाएगा वह मोदी जी के
कार्यकाल के 10 वर्ष हैं और इसलिए मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में भारत ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है उसमें और तेजी आनी है। उस तेजी के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भी चाहिए, तीसरा कार्यकाल भी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस हटा पाती क्या? हटा पाती? ये तो इन्होंने ही की थी। ये समस्या, ये आतंकवाद का जो जहर है तो धारा 370 से देश के दमनियों में घुल रहा था, ये देन कांग्रेस की है। ये किसी और ने नहीं दी, ये कांग्रेस ने दी। ये बीमारी मोदी जी ने बीमारी को हमेशा कभी समाप्त कर दिया। एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा। जो आह्वान है उस बात पूरा किया है मोदी जी के नेतृत्व में।